सो गाइज इट्स 28th of July एंड ये फर्स्ट डे है मैं जब अपने पीसी का वर्किंग डे है पीसी बनाने का। तो अभी मैं पूरा मूड ख़राब हो चुका है बिकॉज मेरा जो ट्राइपॉड है गोरिल्ला पॉड वो नहीं मिल रहा है। तो अब मैं व्लॉग कैसे करूँगा यार। अब पहली बार इतनी बड़ी काम करने जा रहे थे वो भी खुद से, बिकॉज आदत है यार, इंडिपेंडेंट ही वर्क करते हैं, कभी भी किसी की हेल्प लेके नहीं करते। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब मैं उस दिन ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे जुबान से वर्ड्स फिसल गए थे। सो 28th of July मैं सबसे पहले गया, मेरे स्पेक्स रेडी थे, मैंने पिछले 2 महीने से पूरे स्पेक्स रेडी कर लिए थे कि मुझे कौन सा पीसी चाहिए और उसमें क्या क्या पार्ट्स लगने वाले हैं, कौन सा उसमें सीपीयू का कैबिनेट होगा, कौन सा प्रोसेसर होगा, कौन सा रैम होगा, सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 महीने में डिसाइड कर ली थी। और मैं 2 महीने से बस वेट ही कर रहा था कि कब मुझे एक सही प्राइस मिल जाए और मैं बिल्ड करूँ। तो अभी जा रहे हैं शॉप पता करने कुछ पार्ट्स वार्ट्स हमारे कंप्यूटर पे। सो यार जब भी आप पीसी बनवाओ अपने लिए सबसे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देख करके एक लिस्ट तैयार कर लो जिसमें सारे स्पेक्स लिखे हो जो भी आपको चाहिए हो। तो मैंने भी तैयार किया है, जाके देखते हैं वो पार्ट्स मिलते हैं या नहीं, या वो कहीं ओवर प्राइस ना हो जाए, बिकॉज पीसी के पार्ट्स में मेनली ग्राफिक कार्ड में बहुत ओवर प्राइसिंग का और बहुत ब्लैक मार्केटिंग चलती है। तो हमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही पता करना है। तो चलते हैं। सो गाइज फाइनली सारी चीज़ें डन हो गई, प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो गए हैं, शाम तक आ जाएंगे शायद। और अब मैं आपको शाम को ही सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं दिखाया। और यार आई एम सो एक्साइटेड, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है और मैं खुद से बिल्ड करा रहा हूँ। सो गाइज इट्स नेक्स्ट डे और अभी मैं आ गया हूँ, सब कंपोनेंट्स आ गए थे जैसे कि मैंने कल बताया था कि रात में ही वो हो गए थे, निकल गए थे। अब जाके देखते हैं अंदर आए हैं कि नहीं, अगर नहीं आए होंगे तो आज ही मंगाएंगे और आज ही करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि कौन से शॉप से बनवा रहा है भाई, तू बताया तो है ही नहीं तूने। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सारे प्रोडक्ट्स एकदम सज के वहाँ पे रखे हुए थे, अनबॉक्सिंग मुझे करनी थी। You know, a dream like this seems kind of vaguely ludicrous and completely unattainable. But this moment is directly connected to those childhood imaginings. And for anybody who's on the downside of advantage and relying purely on courage, it's possible. So guys, ये सारे हमारे सामान हैं और जैसे कि आप देख सकते हो अभी सबका अनबॉक्सिंग हो चुका है। और जब भी प्रोडक्ट्स लो कंप्यूटर रिलेटेड तो ध्यान रखना कि सारे के सारे सील पैक होने चाहिए, जो यहाँ पे सारे सील पैक थे। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. That somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car, ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm. So finally guys यहाँ पे हमारा पीसी रेडी हो चुका है और यहाँ पे पूरा मामा ने साथ दिया है, पूरा उन्होंने ही पूरा बिल्ड किया है। और जैसे कि देख सकते हो ये चीज़ हमने स्पेक्स देखे हैं, तो मैं बताते तो नहीं रहूँगा क्या क्या स्पेक्स यूज़ हुआ है। बाकी मामा कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, आपका मशीन बनाने में बहुत मज़ा भी आया, कम टाइम में अच्छी मशीन बनी है। बस अब यही है, अगर आपको भी आना है, आपको भी बिल्ड कराना है, आप आसपास से रहते हो, महासमुंद हो या आसपास में और भी बहुत सारे, तो आप यहाँ आके अपने बिल्ड को करा सकते हो पीसी का, चाहे आपको लैपटॉप लेना हो, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। और साथ में मामा ने मुझे गिफ्ट भी किया है कुछ। सो यहाँ पे गिफ्ट दिया है मामा ने, बिल्ड के साथ ही मिले मुझे, इसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगा है। सो अब इसमें क्या है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, यहाँ नहीं दिखाऊंगा। सो बस गए सब चलते हैं यहाँ से। भाई कैसी लगी हमारी स्टोरी। और एक और बात बता दूं कि ये जो जितनी भी मेहनत की है मैंने ये CPU लगाने के लिए, यार आसानी से नहीं आया ये मेरे पास। बहुत मेहनत की इसके लिए, दिन रात काम किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स को, बुरे क्लाइंट्स भी थे, कोई अच्छे क्लाइंट्स भी थे, सबके साथ काम किया है, तब जाके फिर ये PC बनाया है मैंने खुद से। सो उसके लिए पैसा लगता है और पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है। तो यार घर वालों को ना बोल के खुद काम करो, खुद कमाओ और फिर अपने लिए खुद से ये सब जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे करो। तो मैंने भी वो किया। बस सपने खुद के हैं तो यार खुद पूरे करो। भाई अब जो मज़ा आएगा ना कलर ग्रेडिंग करने में, ये स्काई चमकाएंगे।